जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं भारत और चीन का संबंध अब प्रेजेंट टाइम में बहुत खराब चल रहा है। साइमल्टेनियसली अमेरिका और चीन की संबंध और जापान और चीन के संबंध भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा अब भारत, चीन, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश अब एक मुद्दे को लेकर एक साथ है तो क्या आप बिलीव करोगे? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये सारे देश मिलकर मिडिल ईस्ट की कंट्री या फिर आप एक तरीके से इसे समझ सकते हो अरब कंट्री जो ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ओपेक कंट्री आप समझ लो, उनके खिलाफ आए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा ये सारे देश जिनके बीच कई सारे विवाद है तो फिर ये इकट्ठे क्यों आए हैं? क्योंकि दोस्तों अब ये सारे देश मिलकर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की और गैस की प्राइस को कम करना चाहते हैं। क्योंकि आप सब जानते हो अब प्रेजेंट टाइम में कोई भी कंट्री क्रूड ऑयल या फिर गैस के बिना रन नहीं कर सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में जितने भी ओपेक कंट्री है वो क्रूड ऑयल की प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इसलिए ये सारे जो बायर कंट्री है या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो दुनिया के सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कंट्री है वो एक साथ मिलकर अब ये फैसला लिए हैं उनके विदेश में जितने भी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व होगा वो सब रिलीज करेंगे ताकि अरब कंट्री या फिर ओपेक कंट्री के ऊपर प्रेशर आए। अब प्रेजेंट टाइम में ये खबर है भारत आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन 50 लाख बैरल जो रिजर्व में था उसे रिलीज करेगा। अमेरिका भी 5 करोड़ बैरल जो ऑयल वो रिजर्व रखा था वो भी रिलीज करेगा। चीन और जापान भी ऐसा करेंगे। आज मैं दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आप सब जानते हैं अब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हुआ था। अब दुनिया की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है। अब अगर आप देखोगे अमेरिका सबसे ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है, फिर चीन, फिर भारत का नंबर आता है। अगर आप स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व के हिसाब से कंट्री के लिस्ट को देखोगे तो अमेरिका टॉप पे है, चीन दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे नंबर पर और भारत चौथे नंबर पर है। और ये सारे देश मिलकर अब एक फैसला लेने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि ये सारे देशों का मानना है और ये सारे देश दुनिया के मेजर इकोनॉमिक कंट्री वाले की लिस्ट में भी टॉप पर आते हैं। और इनका मानना है कि अब जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण जो इकोनॉमिक लॉस हुआ था उससे उभर रहा है, अगर अब प्रेजेंट टाइम में अरब कंट्री या फिर ओपेक कंट्री क्रूड ऑयल को प्राइस की ज़्यादा रखेंगे तो जो इकोनॉमिक मतलब रिकवर होना था वो उस तेज़ी से नहीं हो पाएगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हालत ख़राब अवस्था में चला जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में यूरोप में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन वगैरह बढ़ रहा है और अब अगर पेट्रोल की या फिर क्रूड ऑयल गैस वगैरह की प्राइस बढ़ेगा तो यूरोप की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से ये सारे देश मिलकर जो सऊदी अरब है या फिर बाकी जो कंट्री है उनको रिक्वेस्ट किए थे आप प्राइस को ज़्यादा मत बढ़ाओ और प्रोडक्शन में तेज़ी लाओ ताकि जो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण प्राइस में कमी आए। लेकिन ये जितने भी ओपेक कंट्री है या फिर अरब कंट्री है वो भी मतलब अपना वो देख रहे हैं कि वो भी उनको भी अपना देश चलाना है। और आप सब जानते हैं मिडिल ईस्ट में ये जितने ऑयल वाले कंट्री से रिच हुए हैं उनके पास ऑयल को छोड़कर बाकी कोई तो इंडस्ट्री है नहीं और पिछले 2 साल में इनको भी काफ़ी लॉस हुआ था। और अब ये मौका देख रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि अब अगर हम थोड़ा प्राइस बढ़ा दें तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पिछले 2 साल में जितने भी GDP माइनस में गया है अब इनको मौका मिल रहा है कि वो थोड़ा माइनस को पॉजिटिव में लाए। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े मेजर इकोनॉमिक कंट्री वाले हैं ये प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ। लेकिन अब तक ओपेक कंट्री से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर ये सारे देश मिलकर ये फैसला लिए, ये सारे देश जितने भी अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व में ऑयल वगैरह रखे हैं उसे वो मार्केट में छोड़ेंगे ताकि इनके ऊपर दबाव आए और ये प्राइस को कम करें। अब बड़ा सवाल ये है स्ट्रैटेजिक रिजर्व एक अहम मतलब एक जरूरी टाइम में इस्तेमाल करने के लिए होता है, क्या अब भारत, अमेरिका, चीन ये सारे देश स्ट्रैटेजिक रिजर्व से ऑयल को रिलीज करने का फैसला क्या सही होगा? खासकर ये भारत के ऊपर ज़्यादा सवाल उठता है क्योंकि अब हमारे आप सब जानते हैं पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध तो ख़राब है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या हम ये ऐसा फैसला लेकर सही किए हैं? अब उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों अब अगर हम भारत की बात करें तो आप सब जानते हैं भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद अब ज़्यादा चल रहा है, खासकर चीन के साथ। और स्ट्रैटेजिक जो ऑयल रिजर्व होते हैं उनका मेन काम होता है कि अगर आप जंग की वक्त चल रहा है या फिर किसी भी कारण की वजह से आप ऑयल और गैस खासकर ऑयल आप अगर बाहर से मंगा नहीं पा रहे हो तो आपकी देश के अंदर कितने दिनों तक ऑयल और पेट्रोल का रिजर्व है उसी के हिसाब से आप जंग लड़ सकते हो या फिर एक जरूरीकालीन परिस्थिति में आप देश को चला सकते हो। तो फिर जो इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है उससे अगर हम अब प्रेजेंट टाइम में 50 लाख बैरल ऑयल को रिलीज कर रहे हैं मार्केट में, क्या ये सही फैसला होगा?
दोस्तों ये अगर आप इकोनॉमिक के हिसाब से देखोगे और ये इतने सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो सही फैसला है, क्योंकि अब भारत जितना भी ऑयल को मार्केट में छोड़ रहा है वो जो टोटल स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है उसका 2-3% के नीचे है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे भारत को बहुत आने वाले टाइम में मुश्किल हो सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखो चीन जो हमारा बड़ा दुश्मन है और उसके साथ जंग होने के भी चांस है, वो भी राजी हुआ है, वो कुछ अपना जो स्ट्रैटेजिक ऑयल को रिजर्व करके रखा है उसको भी मार्केट में छोड़ेगा। अमेरिका भी तकरीबन 5 करोड़ बैरल ऑयल को मार्केट में छोड़ने की फैसला लिया है। इसके साथ साथ अब आप देखो, आपको याद होगा 10-15 दिन पहले भारत सरकार खुद 10 रुपया के करीब पेट्रोल की प्राइस को कम किया था, क्योंकि भारत में 110 के ऊपर पेट्रोल का प्राइस चला गया था। हालांकि अगर हम हमारे गवर्नमेंट टैक्स मतलब स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों का टैक्स निकाल दे तो पेट्रोल का प्राइस 50 रुपये के नीचे ही रहता, लेकिन आप सब जानते हैं दोनों सेंटर और स्टेट मिलाकर टैक्स लेते हैं 60-70 रुपये के करीब, इसलिए पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है। और देश को चलाने के लिए टैक्स भी जरूरी है, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन इतना भी टैक्स आप मत कलेक्ट करो कि जो जनता है उनका हालत काफ़ी ख़राब हो जाए, थोड़े वो एक अलग पॉलिटिकल टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये सारे देश मिलकर ये फैसला लिए हैं, अगर ऐसे वो कुछ दिनों तक अपनी मार्केट में जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है उसे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो गिर जाएगा और जो ओपेक कंट्री है उनके ऊपर दबाव आएगा कि अगर आप प्रोडक्शन आगे आने वाले टाइम में नहीं बढ़ाते हो तो ये सारे देश एकजुट होकर आपके ऊपर दबाव भी डाल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या ये ऐसे फैसले से जो ओपेक कंट्री है या फिर अरब कंट्री है वो राजी होंगे? दोस्तों ये कहना 50-50 होगा। हाँ, ओपेक कंट्री या फिर अरब कंट्री के ऊपर दबाव तो आएगा, लेकिन क्या वो डरकर फैसला लेंगे या नहीं लेंगे इनके ऊपर है। अगर इनके माइंड में होगा चलो ये अभी तो अपना स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से ऑयल को मार्केट में छोड़ रहे हैं, हमारे ऑयल को नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को भरने के लिए भी तो ऑयल को तो ऑयल का तो जरूरत कभी पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो ऑयल वो कहाँ से लेंगे, इन्हीं कंट्री से ही लेंगे। तो ये मतलब आप कह सकते हो कौन पहले झुकने वाला स्टेप है। अगर ये सारे जो अरब कंट्री है या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्री है ये दबाव में आ जाते हैं तो जितने मेजर इकोनॉमिक कंट्री है जो अमेरिका, चीन, जापान, भारत, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, उनको फायदा होगा। अगर ये सारे देश थोड़ा लॉस सहकर और कुछ दिन रुक जाते हैं तो ये जो कंट्री है मेजर इकोनॉमिक कंट्री है उनके ऊपर भी दबाव आएगा। अब इंटरेस्टिंग है, ये जो बायर वाले कंट्री है वो अपने दबाव को ज़्यादा दिन तक डाल सकते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर वाला कंट्री है वो अपने कदम पर ज़्यादा देर तक खड़े रह पाते हैं। क्योंकि अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि शायद ओपेक कंट्री के ऊपर ज़्यादा दबाव आए, क्योंकि इनके पास देने को सिर्फ ऑयल ही है, लेकिन बाकी जो कंट्री है उनके पास देने को बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर ये ऑयल के मामले में थोड़ा मतलब नहीं झुके तो ये सारे जितने देश है अगर ये एक साथ आ गए तो इनके ऊपर दबाव डालने के लिए इनके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा। दोस्तों आप इस टॉपिक पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।